हम सभी के मन में असंख्य विचार चलते रहते हैं, जिनकी वजह से हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन भगवान बुद्ध के विचारों से हम और आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। जो विचारों का सैलाब हमारे मन में चलता रहता है, उन्हें हम बहुत अच्छी तरह से रोक सकते हैं। और दोस्तों, अगर एक बार मन के नकारात्मक विचार रुक जाएं, तो फिर हम अपने मन से जो चाहें वो करवा सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने मन के नकारात्मक विचारों को शांत करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक छोटे से गाँव में राहुल नाम का एक नौजवान युवक रहता था। उसकी समस्या यह थी कि उसका मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता था। उसके मन में हर समय कोई ना कोई नकारात्मक विचार चलते रहते थे। वह जब भी कुछ सोच कर करता तो कुछ अलग ही कर देता। कभी वह अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताता, और कभी वह अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता और डरता रहता कि कहीं भविष्य में ऐसा ना हो जाए, कि कहीं भविष्य में ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक और असफलता भरे विचार उसके मन में आते रहते थे। राहुल हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता। वह अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। राहुल चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू विचार कभी ना आए, लेकिन हर समय विचारों का सैलाब उसके मन में उठता ही रहता। इसलिए वह अपने जीवन में बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसे किसी ने बताया कि यहाँ पास के ही गांव में तथागत बुद्ध आए हुए हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हारे मानसिक समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। यह सुनकर राहुल तुरंत ही बुद्ध के पास चला जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है। बुद्ध भी उस युवक के बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। यह सुनकर राहुल कहता है, हे तथागत, मैं अपने मन को शांत व खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मन को खाली व शांत कैसे करते हैं। मेरा मन हर वक्त नकारात्मक विचारों से भरा रहता है। मेरा ध्यान कभी भी एक जगह पर लग ही नहीं पाता, जिसके कारण मेरे हर काम में समस्या आ जाती है। मैं एक चीज़ करता हूँ तो नकारात्मक विचारों के कारण दूसरी चीज पर पहुँच जाता हूँ। मेरा मन एक जगह ठहरता ही नहीं, और यूं ही हर दिन मेरे मन में अनगिनत विचार चलते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? हमारा मन अपने काम को छोड़कर दूसरे जगह भटकने लगता है और मुझे कुछ पता भी नहीं चलता। बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और क्या कर रहा हूँ। गुरुवर, मैं अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार ना आए। जब मैं चाहूँ तभी मेरे मन में विचार आए। युवक की बातों को सुनकर बुद्ध कहते हैं, किसी भी समस्या का समाधान तभी निकल पाता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुँच जाते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं। आगे बुद्ध कहते हैं, जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उस मन को कभी भी थोड़ा बहुत भी समझा है, उसे जाना है? यह सुनकर राहुल ने कहा, गुरुवर, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं जितना इसके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, मेरा मन उतना ही रहस्यमयी हो जाता है। फिर बुद्ध ने उस युवक को एक घड़ा देते हुए कहा कि जाओ, इस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भर कर ले आओ। फिर वह युवक वहाँ से गया और छोटे छोटे पत्थर भर कर ले आया और उस घड़े को बुद्ध के पास रख दिया। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा कि इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपने विचार समझो। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। उस युवक ने घड़े में और पत्थर डालना शुरू किया। घड़ा तो पहले से ही भरा हुआ था। पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर बुद्ध ने कहा, रुको, जरा ध्यान से देखो, अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं, बल्कि पत्थर नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि यह एक घड़ा है। जो इसमें आ सकता था वह आ गया, अब इसमें और पत्थर नहीं आएंगे। अगर दूसरे पत्थर डालने हैं तो पहले वाले पत्थर को निकालना होगा। यह सुनकर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूँ।
कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। हमें अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहिए। राहुल की यह बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराने लगे और कहा, पहले मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद मन को खाली कर लेना। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा कि हमारा मन इस घड़े से बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि घड़े को तुम पत्थरों से भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन तो हमेशा खाली रहता है। यह सुनकर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, मुझे आपकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। मन अगर खाली रहता तो फिर हम उसे खाली करना क्यों चाहते हैं? फिर मन को खाली करने की क्या आवश्यकता है? फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा कि इस घड़े से एक एक करके पत्थरों को बाहर निकालो। राहुल ने वैसा ही किया। वो घड़े में से एक एक करके पूरे पत्थरों को बाहर निकालता रहा और ऐसा करते करते अंततः घड़ा खाली हो गया। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा, देखा, तुमने जब एक एक करके पत्थरों को बाहर निकाला तो यह घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे पत्थर भी डाल सकते हो, या फिर उन्हीं पत्थरों को दोबारा डाल सकते हो, आधा भर सकते हो या फिर पूरा भर सकते हो। फिर वह युवक कहता है, गुरुवर, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मुझे अपने मन को खाली करना है। यह तो एक पत्थर है जिसे आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मन को खाली कैसे करूं? फिर बुद्ध ने कहा, इस घड़े में एक पत्थर डालो और दो पत्थर निकालो। यह सुनकर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, दो कैसे निकलेंगे? फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, तो ऐसा करो कि इस घड़े में दो पत्थर डालो और चार निकालो। राहुल ने कहा, गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? यह कोई चमत्कारी घड़ा तो है नहीं कि एक डालो तो दो निकल आएंगे, दो डालो तो चार निकल आएंगे। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, यह घड़ा तो चमत्कारी नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन तो चमत्कारी है। उसमें से अगर तुम एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ दो विचार आते हैं, और जब तुम उन दो विचारों को पढ़ते हो तो उसके साथ चार विचार निकलते हैं, और फिर ऐसा करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, और फिर तुम कहीं नहीं रुकते, एक के बाद एक विचारों को पढ़ते जाते हो। यह मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरता, वो हमेशा खाली है। लेकिन वह खाली नहीं करता, यह इस मन की माया है कि सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। फिर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूँगा? क्या मन के इस माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? फिर बुद्ध ने कहा, इस मिट्टी के घड़े में आधे पत्थर भर दो। फिर उस युवक ने ऐसा ही किया। फिर बुद्ध ने कहा, अब इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दो। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। राहुल ने एक पत्थर निकाला और उस पत्थर को बुद्ध के सामने ही तराशने लगा। पत्थर को तराशते वक्त उसे लगा कि यह पत्थर अच्छा नहीं है। फिर उसने दूसरा पत्थर घड़े से निकाला, लेकिन उसे वह पत्थर भी पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, लेकिन वह तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया। ऐसा करते करते उस युवक ने सारे पत्थर घड़े से बाहर निकाल दिए। बुद्ध उसे बड़े ध्यान से देख रहे थे। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा कि जो तुमने सबसे पहले पत्थर निकाला था, उस पत्थर को यह समझकर तराशो कि इसके बाद तुम्हारे पास कोई और पत्थर नहीं है और ये एक ही पत्थर तुम्हारे पास है। फिर उस युवक ने जैसा बुद्ध ने कहा उसी एक पत्थर को लेकर तराशना शुरू किया, और उसने उस पत्थर से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और बुद्ध को भेंट की और बुद्ध से कहा, गुरुदेव, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती है, मैं यह सोच भी नहीं सकता था। उस युवक की बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि जब तुम्हारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, तब हम उस विकल्प में ही संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं, और जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं तो हम पत्थर चुनते भी नहीं और मूर्ति बनती भी नहीं। हमारा मन भी
एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल के रख देता है, और एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों फालतू के विचारों में हम उलझ कर रह जाते हैं। फिर उस युवक ने कहा, गुरुदेव मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने उस युवक से कहा कि मन को खाली करना और साफ करना एक दो दिन का काम नहीं है, यह बहुत लंबी प्रक्रिया है, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो। वह युवक कहता है, जी गुरुदेव मैं तैयार हूँ, चाहे कितनी भी लंबी प्रक्रिया क्यों ना हो। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा कि मन को नकारात्मक विचारों से खाली करने के 6 तरीके हैं, आओ उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका है कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्यहीन महसूस कराएं। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग ही होते हैं जो हमसे पद और धन में ऊपर होते हैं, और उसी पद और धन के घमंड में वह अपने से नीचे लोगों को कुछ भी नहीं समझते, इसलिए ऐसे लोगों के पास रहना ही नहीं चाहिए। या लोग ऐसे होते हैं कि तुम्हारी ही नज़रों से तुम्हारी गरिमा को दूर करके तुम्हें लक्ष्यहीन बनाते हैं, और फिर तुम्हें खुद की काबिलियत पर शक होना शुरू हो जाता है, तुम्हारे अंदर खुद के प्रति नकारात्मक भावनाएँ आ जाती हैं, और यह नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता की ओर ले जाते हैं। बुद्ध दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ, ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिससे तुम कुछ सीख सकते हो, जो तुम्हारी इज्जत कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सकें, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करें। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज़्यादा योगदान होता है, इसलिए मित्रों का सही होना भी बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा भी जाता है, तुम उन लोगों का प्रतिबिंब हो जिनके साथ तुम सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास के लोग जिनके साथ तुम सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो वे ईमानदार हैं, तो तुम भी धीरे धीरे ईमानदार होना शुरू कर दोगे, और अगर वो लोग अमीर हैं तो तुम भी धीरे धीरे अमीर बनना शुरू कर दोगे। कहने का अर्थ यह है कि तुम वैसा ही बन जाते हो जिस तरह के लोगों के साथ तुम अपना समय व्यतीत करते हो। बुद्ध आगे कहते हैं, तीसरा तरीका है कि तुम कभी भी अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना भविष्य अवश्य बदल सकते हो, इसलिए तुम्हें पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीज़ों पर, उन कामों पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, अभी कर सकते हो। बुद्ध कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, केवल वर्तमान में रहकर भविष्य को सुधारा जा सकता है, अतीत में रहकर नहीं, इसलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। चौथा तरीका है कि तुम स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है, और हम जैसा खाना खाएंगे वैसे ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मन स्वस्थ कैसे रहेगा। जब हमारा शरीर कमज़ोर व बीमार रहता है तो मन में कई तरह के नकारात्मक विचार आते हैं, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है, इसलिए शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। बुद्ध कहते हैं कि पांचवा तरीका यह है कि रोज़ ध्यान करो, सुबह या फिर रात को सोने से पहले होता है, लेकिन अगर तुम्हें ध्यान में गहरा जाना है तो सबसे उपयुक्त समय रात का ही होता है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है, और बहुत गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो, या फिर तुम अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो। मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से ध्यान करने वालों का ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसमें आसानी से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते हो तो रोज़ खुद के साथ अकेले में वक्त बिताओ, खुद के व्यवहार को समझो, देखने की कोशिश करो कि मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं और क्यों उठ रहे हैं। बुद्ध आगे बताते हुए कहते हैं, छठवां तरीका है कि तुम नए नए जगह घूमने जा सकते हो, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों के बराबर ज्ञान देती है। दोस्तों, गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में
9 महीने लगातार घूमते थे। उनके भ्रमण करने का यही कारण था कि नए नए जगह जाने से ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ मन को एक नयापन भी प्राप्त होता है। नई जगह घूमने जाने पर हमारा मन उत्साहित रहता है। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध के बताए इन बातों को ध्यान में रख कर यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आपको भी बहुत लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। नमो बुद्धाय।